अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आर्टिस्टिक मेंटोर चैनल में एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेंटोर जवादी नसर, और आज जो क्लास में आपको समझाने जा रहा हूँ वो है टिल टूल के मुतालिक। ओके, टिल टूल के मुतालिक क्लास है, और इस क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि टिल टूल की टेक्निक आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत मज़े की टेक्निक है और ये बहुत कम लोगों को पता है इस बारे में, टिल टूल की टेक्निक के बारे में। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे हर ट्यूटोरियल की अपडेट मिलती रहे। उसके अलावा अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जो है ना डिटेल क्लास अपलोड की है, 25 क्लासेस हैं, इसको ज़रूर देखें ताकि आपको स्टेप बाई स्टेप टूल्स का पता लगे। और इसके अलावा ये कुछ टेक्निक्स भी अपलोड किए हैं और ये प्रैक्टिकल क्लासेज हैं मेरी। पहले चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। तो सबसे पहले मैं पॉलीगॉन पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, जो आपका फोरग्राउंड कलर है वो ज़ीरो होना चाहिए, और स्ट्रोक में आपने इस पे काम करना है। किसी भी कलर की आप स्ट्रोक पे काम कर सकते हैं। तो पॉलीगॉन पे जस्ट मैं क्लिक करता हूँ, टिल टूल पे क्लिक करता हूँ और इसको शेप बना देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी शेप हमारे पास पॉलीगॉन में आ गई है। इसी तरह यही टिल टूल आप जो है ना और भी शेप्स पे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम मैं इसको सर्कल पे अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। टिल टूल पे जस्ट क्लिक किया रखूँगा और ये आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त शेप हमारे सामने आ गई है। ये चीज़ आप कोई और कलर रख के भी अप्लाई कर दे सकते हैं। फर्स्ट टाइम मैं इसको जो है ऑरेंज कलर का कर लेता हूँ। ऑरेंज कलर में ये मैंने एलिप्स सेलेक्ट किया, टिल टूल सेलेक्ट किया और ये इसके मूवमेंट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त साइड हमारे सामने आ गया है। तो इसको ओवरऑल सिलेक्शन करके मैं साइड पे कर लेता हूँ। यही चीज़ आप बॉक्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, रेक्टेंगल पे जस्ट आपने सेलेक्ट करना है और इसको इसकी मूवमेंट कर देनी है। तो ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा इफेक्ट हमारे सामने आ रहा है। ये चीज़ आप शेप पे भी अप्लाई कर सकते हैं, स्टार पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट टिल टूल मैंने सेलेक्ट किया और ये इसकी मूवमेंट देती है। तो ये जो शेप्स आप बना रहे हैं इस पर ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट मैं इनको सेलेक्ट करूँगा। जिस तरह ग्रेडियंट में आपको समझाया था कि आपने स्ट्रोक ग्रेडियंट को पहले सबसे ऊपर लेके आना है, अगर ये चीज़ आपके सामने नहीं आ रही आपने विंडो में जाना है और ग्रेडियंट को टिक कर लेना है। तो फिर जस्ट मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इफेक्ट हमारे सामने आ गया है। तो ये थी छोटी सी क्लास जो थे टिल टूल के मुतालिक, मैंने कहा कि आपको समझा दूँ। तो अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। जब आते हैं उसको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।